दोस्तों साउथ कोरिया की स्मार्टफोन मेकर कंपनी सैमसंग एक के बाद एक धांसू लैपटॉप लॉन्च करती जा रही है। और दोस्तों अब एक बार फिर से सैमसंग ने अपना एक और नया लैपटॉप सैमसंग गैलेक्सी बुक फ्लैश 2 अल्फा लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है, जो कि दोस्तों पिछले साल लॉन्च हुए गैलेक्सी बुक फ्लैश अल्फा का अपग्रेड वर्जन है, जो दोस्तों बड़ी डिस्प्ले, पावरफुल बैटरी और एक नहीं बल्कि दो प्रोसेसर के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों सैमसंग के इस लैपटॉप में आपको एक नहीं बल्कि दो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे सैमसंग के इसी नए लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदेन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी बुक फ्लैश 2 अल्फा लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों सैमसंग का ये जो लैपटॉप है ये 2-in-1 कन्वर्टिबल डिजाइन के साथ में आता है, जिसमें दोस्तों आपको 13.3 इंच का फुल एचडी प्लस क्यूएलईडी 1080x1920 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो दोस्तों इंडोर मोड में 400 यूनिट ब्राइटनेस और आउटडोर मोड में 600 यूनिट ब्राइटनेस प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों सैमसंग के इस लेटेस्ट लैपटॉप में आपको इंडोर और आउटडोर मोड में काफी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए इस लैपटॉप में आपको 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 और कोर i7 प्रोसेसर लगाया गया है। यानी कि दोस्तों इस लैपटॉप में आपको कोर i5 और कोर i7 प्रोसेसर की मदद से आपको काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ 8GB LPDDR4X रैम और SSD 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जबकि दोस्तों इंटेल कोर i7 GPU के साथ 16GB LPDDR4X रैम 512GB की SSD इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी बुक फ्लैश 2 अल्फा में एक एल्यूमिनियम बिल्ड, एक बैकलिट कीबोर्ड और एक बड़ा ग्लास ट्रैक पैड देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस लैपटॉप में आपको डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ एक 720p वेब कैमरा, डुअल एरे माइक्रोफोन और दो 1.5 वॉट स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी के लिए इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाईफाई 6 और ब्लूटूथ भी 5.1 शामिल है। इसके अलावा दो यूएसबी 3.2 टाइप ए पोर्ट, एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट और एक 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। और दोस्तों सैमसंग ने इस लैपटॉप में इन सारी चीजों को पैक करने के बाद इस लैपटॉप का वजन लगभग 1 किलो 180 ग्राम देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग के इस लैपटॉप के प्राइस रेंज और इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों सैमसंग ने इस लैपटॉप को अभी फिलहाल के लिए अमेरिका में लॉन्च किया है, जिसकी दोस्तों शुरुआती कीमत 63,000 से शुरू होती है। और दोस्तों अब देखने वाली बात है कि सैमसंग इस लैपटॉप को इंडिया में कब और किस प्राइस पॉइंट लॉन्च करता है, ये तो दोस्तों इस लैपटॉप के इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पसंद कर लीजिए और पास वक्त दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।